आदरणीय सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, नंद बाबा वहां के राजा हैं, लेकिन राजा होने के बावजूद भी मथुरा के राजा हैं कंस, और कंस से सब लोग बड़े डरते हैं, भयभीत होते हैं। किसी के यहां कोई उत्सव होता है, कोई कार्य होता है, तो सभी ब्रजवासी कंस को कर देने जाते हैं। जैसे आप लोग देते हैं ना टैक्स, अगर नहीं देंगे तो गवर्नमेंट छापा डाल देगी, ऐसे ही कंस के यहां सब ब्रजवासी टैक्स देने जाते थे। अगर नहीं देते थे तो असुरों को राक्षसों को भेज करके वहां उत्पात मचाते। तो नंद बाबा ने कही कि मैं पहले कंस को कर दे आऊं अपनी लाला की खुशी में, तो मेरे यहां लाला को जन्म भयो है, या लिए मैं अपनों कछु अंश दे के आऊं कंस को। नंद बाबा तो चले गए मथुरा। जब जैसे ही प्रवेश किया तो प्रवेश करने से पूर्व ही उसी समय जेल में से निकल करके आए थे कुछ घूमने भ्रमण करने के लिए वसुदेव जी, तो आपस में विवाद हो गया, आपस में मिलन हो गया वसुदेव जी का और नंद बाबा का। ये वसुदेव और नंद बाबा आपस में बड़े गहरे मित्र हैं, दोस्त हैं, आपस में चर्चा हुई। नंद बाबा कहने लगे, भैया वसुदेव, मैंने सुना है कि आपके यहां एक लाली को जन्म भयो, अत्याचारी कंस ने मार दियो, और मैंने सुनी कि तुम्हारे और भी पुत्र भये, वह भी मर गए। कि अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर जा कन्या सा पी देवं गता। नंद बाबा ने कहा, आ वसुदेव, मैंने सुना था कि आपकी उस कन्या को भी इसने मार दिया। वसुदेव जी ने कहा, हाँ भैया, कन्या को भी नहीं छोड़ा, छह छह पुत्रों को मार दिया, एक कन्या हुई तो उस कन्या को भी मार दिया। बड़ा अत्याचारी है, बड़ा आताताई है, बड़ा दुराचारी है कंस, क्या करें। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, जब कंस ने वो आकाशवाणी सुनी थी कि अरे कंस, तू अपनी बहन को इतने खुशी खुशी होकर के अपने रथ में बैठा करके जो विदा कर रहा है, ऐसी बहन का आठवीं संतान तेरा काल होगा। जब से आकाशवाणी सुनी थी, कंस ने तो बड़ा घबराया, बड़ा व्यहवल हो गया, जगह जगह जाकर के विचार करने लगा और असुरों से मिलने लगा। अघासुर बुलाया, बकासुर बुलाया, अरिष्टासुर बुलाया, वत्सासुर बुलाया, अनेक अनेक प्रकार के राक्षसों को बुलाया और कहा कि जाओ पूरे ब्रजमंडल में अभी अभी इस महीने के अंतर्गत जितने भी नवजात बच्चे शिशु पैदा हुए हैं, घर में घुस घुस करके सबको मारो, उनके बीच में ही मेरा कोई काल छुपा होगा। क्योंकि आकाशवाणी ने उस योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, तो मुझे क्या मारेगा। तब से कंस की नींद उड़ गई, नींद नहीं आती, चारों तरफ मृत्यु का भय होने लगा, कंस घबराया। जब मंत्रणा चल रही थी असुरों की और कंस की, उसी समय बकासुर की बहन बकी आ गई। बकी ने कहा, कंस भैया, इनकी बस की कोई बात ना है, नवजात शिशु जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनको तो मार करके मैं आऊंगी, और इनने कौन घुसबे देगो वहां। कंस ने कहा, तू कैसे जाएगी, तू तो 15 फुट की है,
बड़ी काली काली, दुबली दुबली, दांत लंबे लंबे, बड़ा अजीब सा तेरा मुखड़ा है, तू कैसे जाएगी? ये बकी का ही नाम है दूसरा, पूतना। तो उस पूतना ने कहा, तेकंस भैया चिंता मत कर, क्योंकि मैं तो मायावी विद्या जानती हूं, जहां मुझे भयानक रूप बनाना होता है तो भयानक रूप बना लेती हूं, जहां सुंदर रूप बनाना होता है तो वहां सुंदर रूप बना लेती हूं, ये काम तो तुम मुझे सौंप, मैं करूंगी। पूतना सज धज करके गई, लंबा घूंघट मार करके, हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी गोपी, नंद बाबा के मिलन के सामने कुछ ग्वाल वाल लाठी लेके खड़े हुए थे, क्योंकि नंद बाबा तो गए थे मथुरा, पहरेदारी करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। जब लंबी चौड़ी हट्टी गोटी गो हट्टी कट्टी गोपी देखी, लंबो घूंघट लगे भयो है, तो उन ब्रजवासी ग्वाल वालन ने कही, भैया हट जा जल्दी से, ऐसा लग रहा हो कि ये यशोदा मैया की कोई फ्रेंड है, कोई सखी है, कोई पहले जन्म जमाने की होगी, रह गई होगी, बधाई दे लेने से लेने थे, जानते जल्दी से रास्ता छोड़ दो। ग्वाल वालों ने रास्ता छोड़ दिया, अंदर पहुंची तो वहां यशोदा लाला को पालने में झुला रही थी और लाड़ लड़ा रही थी। जैसे ही वहां पहुंची तो पुत्रा ने कही, माता जी पामन लगूं। मैया ने कहा, आओ बहन आओ, दूधो नाओ पूतो फलो, कहां ते आई हो, कौन की बहू हो, का काम है? पुतना ने कहा, मैया मोय तो बाद में पतो लगी कि आपके यहां तो लाला भयो है, आहा आहा देखो कितना सुंदर लाला है, या को रूप लावण ने देख करके ऐसा मन करें कि लाला को मैं गोदी में ले लूं। यशोदा ने कहा, हाँ बहन गोदी में ले ले, कोई बात ना, खिला खू, तुम सवन को ये मेरे थोड़ी है कोई। बोले हाँ यही मारे मन कर रहे हो हैं, मैया लाला है तुम्हें गोदी में ले लूं। बोले अच्छा ठीक है, तू लाला को गोदी में खिला, मैं तेरे लिए कुछ लस्सी छाछ वाला ले आऊं, अब उन जमानों में तो चाय वाय तो चलती नहीं होगी, उस समय दूध लस्सी और छाछ चलती होगी, क्योंकि सतयुग में तो दूध बहुत था, द्वापर में था घी, कलयुग में आई चाय मती, ऐसे सिर्फ भूख के पी, द्वापर में त्रेता में सतयुग में तो आनंद था, दूध था दही था घी था और छाछ लस्सी मठा था, उसी में लोग मस्त रहते थे। आजकल जब तक चाय नहीं मिलती है तब तक आंखें नहीं खुलती। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।